न्यूजीलैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ने लिया संन्यास का फैसला। इस दिन खेलेंगे अपना आखिरी विदाई मैच। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए पिछले कुछ महीने बेहद ही खराब रहे हैं, क्योंकि उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं बन रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज में विराट का बल्ला खामोश रहा है, जिसके चलते अब उनकी जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड से मिली शर्मनाक हार में कहीं न कहीं विराट कोहली जिम्मेदार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोहली का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है और इससे पहले हुए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी कोहली का बल्ला खामोश रहा, जिसके चलते अब टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संन्यास का ऐलान कर सकते हैं और बहुत जल्द अपना आखिरी मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, क्योंकि विराट कोहली ने 3 मैच की 6 पारियों में महज 93 रन ही बना सके, जबकि 6 पारियों में महज 1 अर्धशतक उनके बल्ले से निकला, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि विराट कोहली के अंदर से अब क्रिकेट खत्म हो चुका है। अब उन्हें संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए ताकि युवा क्रिकेटरों को खेलने का मौका मिल सके। आपको बता दें, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब टीम इंडिया 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी, जिसमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। ये टेस्ट सीरीज टीम इंडिया और विराट कोहली दोनों के लिए ही बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज को अगर हार जाती है तो वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। वहीं विराट कोहली अगर इस सीरीज में भी फ्लॉप रहते हैं तो उनके ऊपर संन्यास लेने का दबाव बढ़ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाला 5वां सीरीज का 5वां और अंतिम मैच उनके करियर का भी आखिरी मैच साबित हो सकता है। इसके बाद कोहली टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं। आपको बता दें, विराट कोहली T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं।